नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पत्थर से ना मारो देश के डॉक्टर्स को। कोरोना के मरीजों के मामले में भारत अब 19वें नंबर पर है और कोरोना की वजह से मौत के मामलों में भारत 20वें नंबर पर। मतलब ये कि देश में कोरोना का शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन विडंबना देखिए, ऐसे संकट के वक्त जो डॉक्टर्स, जो स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी जान बचाने में जुटे हैं, उन्हें हम पत्थर मार रहे हैं। मुरादाबाद में एक शख्स की कोरोना से मौत हुई तो डॉक्टर्स की टीम दूसरों की जांच के लिए पहुंची, वहां उन पर पत्थर बरसाए गए। कल रात दिल्ली के एक अस्पताल के कोरोना वार्ड में महिला डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की गई। देश भर से आती ये खबरें शर्मसार करती है। ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। एकदम से काफी भीड़ आ गई, हजारों की तादाद में निकल के सबने आवाज लगा दी अपने आस पड़ोस से। तैयार थे पहले से ही वो लोग हम लोगों को घेरने के लिए, डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए, और रोड़े बरसाने लगे। दो हमारे डॉक्टर एससी अग्रवाल थे, उनको तो पिटाई करी है। और पीछे से मेरे चढ़ते हुए, जब मैं भाग के इसमें चढ़ा था, मेरे यहाँ ईंट का रोड़ा इतनी तेज पीछे कमर में मारा है। हाथ में पत्थर और जान बचाने वालों पर ही हमला। मुरादाबाद के हाजी नेब की मस्जिद इलाके में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ। जो अपनी जान पर खेल कोरोना मरीजों की जान बचाने गए थे, उन्हीं पर गली कूचों पर बरस रहे ये पत्थर मानवता को शर्मसार करते हैं। 3 अप्रैल को मुरादाबाद में 53 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ था। रिपोर्ट में 17 लोग पॉजिटिव आए थे, जिसमें एक मरीज सरताज की 2 दिन पहले मौत भी हो गई थी। उसी हॉटस्पॉट इलाके में आज स्वास्थ्य टीम परीक्षण के लिए पहुंची थी। संदिग्ध कोरोना पेशेंट को लेने के लिए गई 108 मेडिकल एम्बुलेंस पर लोगों ने ऐसा पथराव किया कि एम्बुलेंस कर्मियों के साथ डॉक्टर्स भी घायल हो गए। एम्बुलेंस कर्मियों ने बताया कि साथ गए डॉक्टर को काफी देर तक मोहल्ले में ही हमलावरों ने घेर कर रखा था। डॉक्टर की टीम को पीटने के लिए पहले से ही वो तैयार थे। जैसे कि हम लोगों, उन्होंने एकदम कहा, बोले गाड़ी में से उतरो। जब पत्थर बरसाने चालू करे तो सर हम अपनी जान बचा के भागे। कुछ लोग हमारे डॉक्टर साथी वहाँ पे पकड़ लिए गए हैं। मेरे EMT को कुछ काफी गहरी चोटें भी आई हैं, गुम चोटें आई हैं। मेरी सारी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी है उन लोगों ने आगे पीछे से। स्वास्थ्य विभाग की टीम किसी तरह से जान बचाकर वहां से भाग खड़ी हुई। हमलावरों ने स्वास्थ्य कर्मियों को ही घायल नहीं किया, गाड़ियों की ऐसी हालत कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस की गाड़ियों पर भी खूब पथराव किया। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस फोर्स लगा दी गई है। उन लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है जिन्होंने टीम पर हमला किया। पुलिस ने एक को हिरासत में लिया है। पथराव करने वाले इधर के लोग आए, मैं जाने कहाँ कहाँ गए हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता। क्यों करा, क्या परेशानी थी, क्या परेशानी, क्यों कर रखा है पथराव? सर मैं यहाँ से निकल के जा रही था, एक मरीज को लेके जा रहे थे। अच्छा, मैं सिर्फ रुक के सर की मदद कर रहा था, सहयोग कर रहा था पूरा। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमलावरों पर NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगेगा। आदेश के अनुसार नुकसान की भरपाई भी आरोपियों से ही की जाएगी। ये घटनाएं पूरे देश में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। बीती रात कोरोना संदिग्ध मरीजों ने दिल्ली के LNJP अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बदसलूकी की, और जब डॉक्टर्स ने खुद को अपने रूम में बंद कर लिया तो कोरोना मरीज दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, जमकर हंगामा किया। दरअसल रात में वार्ड में मरीजों की जांच करने गई महिला डॉक्टर्स पर मरीजों ने अभद्र टिप्पणी की। जब वहां मौजूद अन्य डॉक्टर्स ने विरोध किया तो आरोपियों ने हमला कर दिया। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। They formed a mob of all the patients and they hurl abuses and they tried to scare the doctors and the healthcare staff including nurses. The doctors had to run for their lives and hide inside a doctor's duty room. Outside which these mob people, which were around 30, they started banging the door and they threatened to break the door and assault the doctors. देश भर से आ रही ये घटनाएं महामारी के दौर में मानवता पर ही हमला है। फिरोजाबाद में भी 27 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इन लोगों पर आरोप है कि ये अस्पताल में थूक रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर नमाज पढ़ रहे थे। देवबंद में भी गांव से स्वास्थ्य टीम को खदेड़ दिया गया जब वो एक संदिग्ध की कोरोना जांच के लिए पहुंचे। 38 लोगों के खिलाफ यहां केस दर्ज हुआ है। आसनसोल में भी कुछ युवकों ने खुलेआम सड़कों पर थूकते हुए लोगों को ललकारा कि कोई उन्हें रोक नहीं सकता। इसके बाद आम लोगों में संक्रमण के फैलने का खौफ भर गया।
वहीं मोहाली में करेंसी नोटों पर थूकने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोरोना महामारी में थूक से संक्रमण के फैलने के खतरे के बीच ये चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में 3 दिन में दूसरी ऐसी घटना है। त्रिची में भी महात्मा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में एक कोरोना मरीज ने नर्स पर थूक दिया। ये मरीज दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुआ था। इसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों पर ये हमले लगातार तब हो रहे हैं जब प्रधानमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने अपील की है कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होना चाहिए। देश के कोरोना योद्धाओं, हमारे डॉक्टर, नर्सेस, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, ऐसे सभी लोगों का हम सम्मान करें, आदर पूर्वक उनका गौरव करें। देखिए, आज हमारे सभी डॉक्टर्स और सभी स्वास्थ्य कर्मी ये सच्चे कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो इन्हें भगवान की संज्ञा दी है और ये शायद अतिशयोक्ति भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो निश्चित रूप से भगवान तुल्य हैं। हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें स्टिग्मेटाइज ना करें, हम उन्हें ऑस्ट्रसाइज ना करें। सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है उसमें स्वास्थ्य कर्मियों या फ्रंटलाइन वर्कर्स पर हमला करने पर अब 1 साल तक जेल का प्रावधान भी कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। इस बीच खबर ये आ रही है कि औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में भी ऐसी ही घटना हुई है जब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ है। जी हाँ, एक बार फिर से मुरादाबाद के बाद सबसे पहले आपने देखा था इंदौर की भी तस्वीरें थी, इंदौर में हुआ, मुरादाबाद में हुआ, औरंगाबाद से अब खबर आ रही है स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों का हमला हो गया है, डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को पीटने की खबर है। तस्वीरें अगर आती हैं हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन ये तमाम खबरें जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं हर किसी को शर्मसार करती हुई। और ये हम आपको औरंगाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए कैसे यहां पर भी स्वास्थ्य कर्मियों पर, डॉक्टर्स पर हमला हुआ है। इसको स्वीकार नहीं कर सकता देश। एक ऐसे वक्त पर जब कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, फ्रंटलाइन वॉरियर्स ये अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने के लिए निकल रहे हैं, इन पर हम हमला कैसे कर सकते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ सम्मान के हकदार है। देश भर से आती ये खबरें देश को ही शर्मसार करने वाली। आइए अब रुख उस पैनल का करते हैं, इंदौर की भी तस्वीरें मंगा लीजिए जहां कुछ दिनों पहले इसी तरह का हमला हुआ था। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, मुरादाबाद हो, औरंगाबाद हो, इंदौर हो, परेशान करने वाली ये तस्वीरें। हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे डॉक्टर एम एच खान, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, बिलाल खान जो कि एक्टिविस्ट है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तौसीफ खान हमारे साथ लॉयर तबलीगी जमात के जुड़ रहे हैं, डॉक्टर पर्व मित्तल प्रेसिडेंट है डॉक्टर्स एसोसिएशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और लोकनायक अस्पताल के, डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ पीडियाट्रिक्स एंड सीएमडी रैडिक्स हॉस्पिटल के जुड़ रहे हैं, सुबुही खान हमारे साथ लॉयर एक्टिविस्ट जुड़ रही हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर रवि मलिक आपके पास आना चाहती हूं। डॉक्टर्स पर इस तरह का हमला, इंदौर में भी वो तस्वीरें हर किसी को परेशान कर गई कई दिनों तक, अब मुरादाबाद की तस्वीरें दिखा रहे हैं, बुलेटिन करते करते औरंगाबाद से भी ऐसी खबर आ जाती है, ये सब एक तरह से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। अपनी जान की बाजी ये डॉक्टर्स लगा रहे हैं उन गलियों में पहुंचने के लिए जहां से कोरोना संदिग्ध के इन्हें टेस्ट करने हैं। अंजना जी, आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त हमारे देश में दो एपिडेमिक चल रहे हैं। एक तो हमारा पेंडेमिक कोरोना का चल रहा है और दूसरा ये एपिडेमिक कुछ ऐसे तत्व चला रहे हैं जिसमें कि वो डॉक्टरों के ऊपर हमला कर रहे हैं, उनको हतोत्साहित कर रहे हैं और लोगों की जान से खेल रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा ये देशद्रोह का मामला है। अगर इस वक्त देश हमारा इस त्रासदी से गुजर रहा है जहां पर कि हमारी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो भी पूरी नहीं है, उसके ऊपर अगर आप डॉक्टरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पीट रहे हैं और नेशन को डेंजर में डाल रहे हैं, इस वक्त नेशन को सबसे ज्यादा हमारे देश को जरूरत है डॉक्टरों की, उस वक्त अगर आप उनको भय में डाल रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, तो ये देशद्रोह है और इसके बड़ा कोई क्राइम नहीं हो सकता। आप ये देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा कि ये जो डॉक्टर्स हैं भगवान तुल्य हैं, जैसे अभी आपने दिखाया, आप भगवान का दर्जा ना दीजिए, इन्हें एक ह्यूमन डिग्निटी तो दे दीजिए। ये अपनी जान पे खेल के सबसे ज्यादा इस वक्त जो एसेंशियल प्रोफेशन रिस्क में है वो डॉक्टर्स हैं,
कोविड के पेशेंट के साथ में वो एक एक मीटर के डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, जब उनको उनकी फंडस देखनी है, उनको एग्जामिन करना है, आप उनको मार रहे हैं, जिनकी वजह से कि आप सुरक्षित घर में बैठे हैं। पूरे विश्व में बता दीजिए कहां पर यह चीज होती है, इस तरह की इनह्यूमैनिटी कहां पर होती है, इस तरह का जानवरपन कहां पर होता है, और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं उन लोगों को सबको वार्न करना चाह रहा हूं, जितने भी हमारे अश्लील हरकतें जो हमारी नर्सेज जो हमारी सिस्टर्स के खिलाफ कर रहे हैं, डॉक्टर के खिलाफ कर रहे हैं, हम लोग इन सारे केसेस को फॉलो अप करेंगे और आपको वी विल सेंड यू बिहाइंड द बार्स। ये एक बहुत ही संगन्य अपराध है और इस स्थिति में अगर कोई भी कर रहा है तो ये बहुत ही गलत है। आप इंटरनेशनली बताइए कहां पर हो रहा है, हम अपने बच्चों को क्या सीख देंगे? जो बच्चे देख रहे हैं ये, वो कल को डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे, वो खदेड़ खदेड़ के मार थोड़ी ना खाएंगे, अपनी जान को बचाते हुए थोड़ी ना घूमेंगे, कोरोना के मरीज की थूके थोड़ी ना अपने मुंह के ऊपर लेके रिस्क लेंगे कोरोना का। ये बहुत गलत हो रहा है, आने वाले समय के लिए गलत हो रहा है, ये समाज के लिए गलत हो रहा है और इन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और इसीलिए एनएसए जैसे कानून का प्रावधान लेकर तमाम सरकारें, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो उत्तर प्रदेश में, सख्त सजा की मांग इनके लिए की जा रही है। डॉक्टर खान, बड़ा अफसोस होता है, हमारे साथ डॉक्टर पर मित्तल भी जुड़े, मैं इसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर खान ये तस्वीरें बहुत शर्मसार करती हैं। अलग अलग जगहों से डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर थूकने की खबर, जब आपको पता है कि बॉडी फ्लूइड से ये संक्रमण इस तरह से फैलता है, क्या इलाज है इसका? डॉक्टर खान का संपर्क लगता है टूट गया है, मैं आपके पास बिलाल खान आना चाहती हूं। ये तस्वीरें जो है और ये लगातार जो आरोप लग रहा है अलग अलग जगहों पर, नर्सेस पर, डॉक्टर्स पर थूकने का, पत्थरबाजी का, इसकी इजाजत कैसे हो सकती है? देखिए अंजना जी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं सबसे पहले अपने जो डॉक्टर्स हैं, जो वॉरियर्स हैं हमारे देश के, उनको सैल्यूट करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त जो वो लड़ाई अब लड़ रहे हैं, अपनी जान हथेली पर लेकर देश के लिए आगे लड़ाई लड़ रहे हैं। जो ये वायरस फैला हुआ है पूरे देश में, पूरे हमारे भारत को जकड़ने का इसने काम कर दिया है, लेकिन हमें भी कुछ सोचना होगा कि फेक न्यूज जो आज, मैं पहली बात अपनी कहना चाहूंगा, फेक न्यूज बहुत आ रही है, उनको देखना होगा कि बिना देखे फेक न्यूज नहीं है ये, आज तक पर बैठे हैं आप, हो रही है, आप आज तक पर बैठे हैं, फेक न्यूज मुझे नहीं पता है। मैं आज तक पर बैठा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ। मैंने सबसे पहले अपने डॉक्टर्स को सलाम किया, मैंने इसमें ये नहीं कहा मैंने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारी न्यूज फेक्स भी आ रही है जिसके मतलब परिणाम बहुत बुरे होंगे। हमें इस वायरस से लड़ाई लड़नी है, हमें अपने देश के डॉक्टर्स को नहीं मानना है। सबसे पहले तो मैं उन जाहिलों को यहाँ से एक वो देना चाहूंगा संदेश कि आप क्या कर रहे हैं, आप देश के साथ भी बुरा कर रहे हैं, जो हमारे जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे देश में इस खतरनाक वायरस को खत्म करने के लिए, उसके साथ भी गलत कर रहे हैं आप। तो मैं ये दूसरा सवाल ये उठाना चाहूंगा, देखिए मैम, यूके के अंदर हाईस्कूल में एक मंदिर है यूके के अंदर, जहाँ सिचुएशन सिर्फ मरकज की मैं बात करना चाहूंगा, जो आप चल रही है कहानी की तबलीगी, तो मैं उस पर यही बात करना चाहूंगा, सेम सिचुएशन ये वहां पर की थी, मीडिया ने इसको कम्युनल बना दिया। इसमें भी बहुत लोग है जमात से जुड़े हुए थे, आपने पहले कहा कुछ लोग जमात से जुड़े हुए थे वहां थूक रहे थे, तो लेकिन ये फेक न्यूज को हटा के जिस तरीके से जी न्यूज ने माफी मांगी, वहां बताया अरुणाचल प्रदेश में 11 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, तो ऐसे देखना पड़ेगा अभी कौन सी न्यूज है क्या नहीं, उस पर हमें नहीं जाना। जैसा हमारे डॉक्टर्स की बात है, गवर्नमेंट को डॉक्टर को पीपीई प्रोवाइड कराना चाहिए, डॉक्टर की संख्या इंडिया में बहुत कम है मैडम, अगर हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वायरस में लड़ने के लिए सबसे ज्यादा डॉक्टर हमारे साथ, पूरा देश डॉक्टरों के साथ को खड़ा होना चाहिए पूरे देश को, लेकिन हमें ये नहीं करना यूपी में, जैसे यूपी के अंदर शहर में 0.3 मिलियन टेस्ट हो रहे हैं। बिलाल खान, दो बातें ध्यान से सुनिए, अब आप दो बातें ध्यान से सुनिए, एक तो आप आज तक पर बैठे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, हल्ला बोल कार्यक्रम चल रहा है और हमारे चैनल पर दिखाई हुई हर खबर पूरी तस्दीक के साथ दिखाई जाती है। मैं आपसे डॉक्टर्स पर लेक्चर नहीं पूछ रही हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं कि इस बात की इजाजत कैसे दी जा सकती है कि लोग डॉक्टर्स पर हमला करें, डॉक्टर्स की कैसे सुरक्षा हो, उस बात का ख्याल रख रहा है देश, उस बात का ख्याल रख रहा है, तो आप ये पुरानी पोथी जो कहीं दूसरी जगह की लेके आए हैं उसको साइड में रखिए और सवाल का जवाब दीजिए। मेरे भारत, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ, गली कूचों से डॉक्टर्स को नहीं खदेड़ा जा सकता है, गली कूचों से डॉक्टर्स को नहीं खदेड़ा जा सकता है। गवर्नमेंट कोई भी अफवाह, पुलिस के लिए कोई भी अफवाह इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि डॉक्टर्स पर हमला किया जाए, इसलिए अफवाहों की आड़ में आप इसको इसकी सफाई देने की कोशिश ना करें।
सुनिए, अफवाहें तो बहुत चली हैं, आपने देखा नहीं किसने बड़े बड़े नेशनल चैनल्स ने माफी मांगी अफवाहों की? अफवाहों तो ऐसी चली हैं। फिर आपको बार बार कह रही हूँ, आप दूसरे चैनल का अगर आपको बहस करनी है, चर्चा करनी है, तो आप फिर कहीं और जाइए। आपसे जो मैं पूछ रही हूँ उसी पर जवाब दीजिए और उसी पर सीमित रहिए। डॉक्टर एम एच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं क्या? डॉक्टर खान हमारे साथ जुड़े हैं क्या? डॉक्टर खान, इसकी इजाजत कैसे दी जा सकती है डॉक्टर्स पर इस तरह से? जी जी डॉक्टर खान, बार बार आपका संपर्क टूट जा रहा है सर। मैं डॉक्टर पर्व मित्तल के पास चलती हूँ। डॉक्टर पर्व मित्तल, विस्तार से बताइए क्या हुआ था, कैसे ये हमला हुआ था? महिला डॉक्टर्स पर के साथ पहले बदसलूकी की गई, अपशब्द बोले गए, आप लोगों ने विरोध किया, जब डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी रूम में गए तो दरवाजा तोड़ने तक की कोशिश की। आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ये कल शाम करीब 5:30 बजे की बात है, 5:30 बजे की, जब कुछ पेशेंट्स वार्ड में, सर्जिकल वार्ड में थोड़े से एजिटेटेड थे, जब महिला डॉक्टर उनको काउंसिल करने के लिए गईं तो उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार शुरू किया, उनको खराब खराब शब्दों से बुलाया, उन पर ल्यूड कमेंट्स पास करे। उसके बाद जब वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाईं तब मेल डॉक्टर आए और बीच बचाव करने की कोशिश करी, उसके बाद फिर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने आसपास वार्ड में जितने भी मरीज थे उनको अपने साथ ले लिया, भड़काऊ तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हुए वो थ्रेटन करने लगे डॉक्टर्स को और नर्सेस को मिला के, और फिर उनको खदेड़ते हुए डॉक्टर ड्यूटी रूम में उन्हें छुपना पड़ा, अंदर जाके अंदर से कुंडी लगानी पड़ी, और बाहर से भीड़ जो थी वो उनको दरवाजे पर जोर जोर से पीट रही थी। अब FIR दर्ज कर ली गई है हमारी जानकारी के मुताबिक, आप लोगों की क्या मांग है, कैसे डील कर रहे हैं आप वही डॉक्टर्स उन पेशेंट्स के साथ? हम लोगों की मांगों में सबसे देखिए, जो डॉक्टर जिनके साथ असॉल्ट हुआ था वो तो काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड है, जो फीमेल डॉक्टर है शी इज़ फ्रैंकली वेरी ट्रॉमेटाइज्ड, और अब वो फ़ोन पे भी ज़्यादा बात नहीं कर पा रही है, उनको काफ़ी ज़्यादा मेंटल क्षति पहुंची है। जहाँ तक एज एन एसोसिएशन बात है, इंस्टीट्यूशनल FIR अगेंस्ट द चीफ परपेट्रेटर एंड द रेस्ट ऑफ द परपेट्रेटर्स ये हो चुकी है। उसके अलावा हमने जो मांग करी थी, हम काफ़ी टाइम से मांग कर रहे थे ये, कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स का लोड है, आज के टाइम में भी हमारे पास करीब 780 से 800 पेशेंट का लोड है, और हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो पुलिस पर्सनल का डिप्लॉयमेंट, अभी होम मिनिस्ट्री से एक ऑर्डर आके और करीब 40 पुलिस पर्सनल जो है पूरे हॉस्पिटल के लिए डिप्लॉय करे गए हैं। मेन प्रॉब्लम ये होती है कि पुलिस पर्सनल जो है और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड किसी भी कोविड वार्ड में एंटर नहीं करता है, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है। इसके लिए उनको प्रॉपर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहना के वार्ड में एंट्री कराने का वादा किया गया है और लिखित में ले लिया गया है। बाकी जो भी सिक्योरिटी लैप्सेस थे उनको नेसेसरी एक्शन MD ने हमें प्रॉमिस किया है। मैं बस इतना कह सकती हूँ डॉक्टर मित्तल कि आप लोग और ये तमाम जो महिला डॉक्टर्स हैं, एक बार फिर से LNJP के उन डॉक्टर्स, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स को दिखाइए, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, ये आज हिंदुस्तान के वो नायक हैं, नायिकाएं हैं, जिनके हाथों में इस देश की हिफाजत है, जिन लोगों के लिए ये अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रही हैं या डाल रहे हैं। बिल्कुल, अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर मित्तल। अंजना जी, मैं आपके माध्यम से एक और इन्फॉर्मेशन जो है मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंचाना चाहूंगा कि जैसा ये कम्युनिटी में इतना डेंजरस सिचुएशन हो रही है डॉक्टर्स के लिए, लोग पथराव कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल के 110 रेजिडेंट्स को एक ऑर्डर तहत जो दिल्ली की हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पोस्ट कर दिया है। एज ए एसोसिएशन हमने उनसे कई बार पूछ लिया है कि आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, उन बच्चों के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे कि नहीं, हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। उन्हें सिर्फ बच्चों को फोर्स किया जा रहा है जो जूनियर डॉक्टर्स हैं कि आप आइए और आप आके कंटेनमेंट एरियाज में काम करिए, और मुझे बस यही डर है कि ऐसा सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो जाए, बिकॉज वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दोज डॉक्टर्स एंड एज अ रेस्पॉन्सिबल सोशल सिटीजन आई डिजर्व द राइट एंड वी ऑल डिजर्व द राइट टू हैव अ प्रॉपर सिक्योरिटी, क्योंकि डॉक्टर दो चीज़ों से नहीं लड़ सकता। अगर वो कोरोना से लड़ रहा है तो वो अपनी फिजिकल सेफ्टी के लिए नहीं लड़ सकता, हम क्या क्या करेंगे?
तौसीफ खान साहब, अब मैं आपके पास आना चाहती हूँ, जिसके बाद मैं डॉक्टर रवि मलिक के पास जाऊंगी, उनके पास एक संदेश भी है डॉक्टर्स की तरफ से। तौसीफ खान साहब, अलग अलग देश के हिस्सों से आ रही ये खबरें बहुत ज्यादा परेशान भी करती हैं, और ये किसी तरह से नफरत फैलाने की बात नहीं है, लेकिन अगर हम डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर हमला करेंगे तो फिर कैसे? यही फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, इन्हीं के बलबूते कोरोना के खिलाफ इस महामारी में पूरी जंग इस देश को लड़नी है। पुलिस कर्मियों पर हमले, मिस्टर खान जी, देखिए बिल्कुल गलत बात है, और जो भी ये कर रहा है उस पर मैं आपके चैनल के माध्यम से अथॉरिटीज को कहना चाहूंगा, सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये डॉक्टर्स हमारे, वाक्य अंजना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वाक्य में ये कोरोना वायरस है। और अंजना जी मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, आप ये डॉक्टर सम्मान का पात्र हैं, इनको सम्मान कीजिए इनको। और दूसरा, आपको, आपके लिए भी सम्मान का पात्र है कि आप इस मुद्दे को कोई सांप्रदायिक रंग नहीं दे रहे हैं। अंजना जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आज तक है। ये मैं चैनल में अभी कुछ दिनों से मैं एक मछली बाजार में से उठ के मैं एक अच्छी जगह आके बैठा हूँ, ताकि मैं अपने अपने देश को, अपनी जनता को एक संदेश दे सकूँ इस चैनल के माध्यम से, वन ऑफ द बेस्ट चैनल। ये जो पिलर है, ये चौथा पिलर जो मीडिया है, वो अंजना एंड आज तक, ये दो तीन बंदे हैं, वरना देश कब का वो पिलर टूट चुका है, वो टूट चुका है। ये दो तीन बंदे मीडिया में ऐसे हैं कि किसी से टूट जाए, संभाल रखा है। नहीं नहीं, मैं देखिए, आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दूसरों को छोड़ दीजिए, चौथा पिलर, जब आप यहाँ बैठे हैं, पिलर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वो तीन पिलर, वो तीन पिलर आप भी जानते हैं, इंडिपेंडेंट, वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, चौथा पिलर मीडिया है। वो पिलर, वो मुझे, मैं संतुष्ट हूँ इस बात से कि आप जैसे इंसान अभी भी मीडिया में बैठे हुए हैं, वरना मैं दो तीन दिन से मछली बाजार से उठ के मैं आके सही जगह बैठा हूँ। अच्छी बात है कि आप यहीं बैठी और यहीं पर सबसे ज्यादा दर्शक भी हैं, और विश्वसनीयता के साथ हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, एक सेकंड रुक जाइए सर, मुझे लगता है कि आप दोनों इस बात से ग्रसित हैं कि आप लोगों को अलग अलग, जो भी आपके अनुभव बीते दिनों के रहे हो, उस अनुभव को अलग कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। मैं नहीं चाहती हूं कि हमारे दर्शकों का वक्त इसमें बर्बाद हो। मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला इन डॉक्टर्स के लिए इस तरह का बर्ताव करने की इजाजत नहीं रख सकता, और अगर कोई भी इनका पक्ष लेता है तो ये वक्त है कि उनके सामने आकर उनका पर्दाफाश किया जाए और बताया जाए कि ये समझिए कि ये डॉक्टर्स आपकी जान बचाने के लिए, आपको अपनी हिफाजत करनी है, अपने परिवार वालों की, अपने समुदाय की, देश की, महामारी का वक्त है। हम 19वें ऐसे मुल्क अब बन गए हैं जो महामारी में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज है। डॉक्टर खान के पास अब मैं जाना चाहती हूँ, डॉक्टर एम एच खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर खान, कैसे इसकी इजाजत दी जा सकती है, और ये एक नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से आज पूरे देश में एक एक निराशा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है डॉक्टर्स के साथ। मैं तो इस चीज को बिल्कुल खंडन करता हूं और निंदा करता हूं। इस तरह की हरकत जो लोग भी कर रहे हैं, जिस घर से लोग भी कर रहे हैं, वो समाज से अपने आप को अलग नहीं करना चाहते हैं, समाज को बर्बाद करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहता हूं कि रास्ता लगाइए और उनको बस आर्थिक दंड लगाइए। देखिए, मैं सऊदी अरब का एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि वहां पर जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनको 1 करोड़ रुपया का फाइन किया जाता है। आप इन पर फाइन कराइए, इन पर सख्ती कराइए, इन पर आप अपराहत की भीख नहीं मांगनी चाहिए, शासन को, प्रशासन को रहर नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को समाज से भी बहिष्कार करना चाहिए, सामाजिक लोगों से भी बहिष्कार हूँ, और जो एनजीओ है उनसे भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज से बहिष्कार करिए, और ऐसे लोगों को समाज में घुसने मत दीजिए कि ऐसे लोग जो डॉक्टर अपनी जान पर खेल करके, जो पुलिस के कर्मी अपनी जान पर, बिल्कुल हम भी मिस्टर खान यही दिखा रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब में सजाए मौत तक का प्रावधान किया था, जब कोरोना की महामारी के बाद एक व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि वो सार्वजनिक जगह पर थूक रहा था। न्यूजीलैंड में हमने आपको दिखाया कितने सालों की सजा है, अलग अलग मुल्कों ने बहुत ही, न्यूजीलैंड में 14 साल की कैद का प्रावधान किया गया है अगर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगहों पर कोरोना महामारी के वक्त थूकता है तो। सऊदी अरब में एक केस में सजाए मौत का ऐलान किया गया था, उस प्रावधान को सामने लाया गया था। ऐसा ही तमाम मुल्कों में बहुत सख्ती के साथ, भारत में जुर्माने का भी प्रावधान है और जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसमें 1 साल तक अब जेल भी हो सकता है। ये तमाम ऐसे प्रावधान है जो अलग अलग मुल्क करने को इस वक्त मजबूर है। डॉक्टर रवि मलिक, मुझे लगता है ऐसे वक्त पर जब डॉक्टर्स बोले, एक संदेश दे, तब शायद वो बात लोगों को समझ में आए। क्या है आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए और जितने लोग ये अलग अलग शहरों के देख रहे हो?
देखिए मेरा संदेश यही है कि डॉक्टरों को सम्मान दें, क्योंकि वही आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टरों को सम्मान नहीं दे रहे हैं तो आप अपने बुजुर्गों को, अपने फैमिली मेंबर्स जिनकी वो रक्षा कर रहे हैं, आप उनको भी सम्मान नहीं दे रहे हैं। और ये इतनी अंजना जी, ये इतनी ज्यादा गहराई में इसकी जड़ें हैं इस क्राइम की कि आप ये देखिए, एक तरफ तो हम 19वें नंबर पर आ रहे हैं कोरोना के पेंडेमिक के उसके अंदर, 30वें नंबर पे हमारा देश आ रहा है मृत्यु के उसके ऊपर, और इतनी ज्यादा त्रासदी चल रही है, यानी कि युद्ध छिड़ा हुआ है और जनता जो है वो आर्मी को ही पीट रही है। मतलब इमेजिन कीजिए कि किस तरह की यह मूर्खता है, जिस डाल पे बैठे आप उसी को काट रहे हैं। इट इज वेरी शेमफुल, इट इज वेरी सैड। और मैं इसके अंदर थोड़ा सा डिफर करूंगा, इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, इन सबको जेल में डालना चाहिए, और इनको जेल में डालने के बाद में इनका फॉलो अप होना चाहिए कि इनका क्या हुआ। मैं आपको अंजना जी एक और चीज बता दूं, हमारा कानून भी आया हुआ है जिसके हिसाब से अगर आप डॉक्टर की ड्यूटी में भी विघ्न डालते हैं, मारना पीटना तो दूर की बात है, अगर आप उसकी डॉक्टर की ड्यूटी में भी विघ्न डालते हैं तो इट इज अ कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो इमीडिएटली उसमें सजा होती है। मैं सब लोगों को यही सुजेशन देना चाहूंगा कि आप डॉक्टरों का सम्मान कीजिए। हम लोग रिस्क लेते हैं, इससे बड़ा रिस्क कोई नहीं, सिर्फ डॉक्टर ही है जो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, जो कोरोना पेशेंट आपका बचाता है। और मेरे कुछ साथ में कुछ डॉक्टर लोग भी हैं जो एक थोड़ा सा संदेश देना चाह रहे हैं, मैं चाहूंगा कि कैमरा उनकी तरफ भी जाए, जो बेचारे अपनी व्यथा जो है वो एक तरह से दिखा रहे हैं हाथ में प्ले कार्ड्स लेके, तो आप देख सकते हैं कि उनका बस मानना यही है, हाथ जोड़ के विनती यही है कि इस संकट के समय में, इस संकट के समय में आप जो है हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें ताकि हम आपके परिवारों की रक्षा कर सकें। हम आपसे कोऑपरेशन केवल इसलिए चाह रहे हैं कि आपके परिवारों की रक्षा कर सकें, हमें अपने परिवारों की चिंता नहीं है। हम बाहर जाएंगे, रिस्क लेंगे। और एक चीज और बता दूं, आप थूक लो, मार लो, पीट लो, हम स्ट्राइक नहीं करेंगे, हम तब भी आपकी सेवा करेंगे, हमने हिप्पोक्रेटिक ओथ ले रखी है। अब ये फैसला आपके हाथ में है कि आप किस तरह का बिहेवियर करेंगे, हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे, आपकी जानें बचाते रहेंगे, चाहे आप हमें मारे पीटे या जो मर्जी करें। लेकिन एक चीज बता दूं, ये बिल्कुल गैर मानवीय है, निंदनीय है और घोर अपराध भी है, और इसमें सजा मिलनी चाहिए। और इस वक्त देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है, और उसके बाद अगर आप ये कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। जिस लीडर ने आप सबके जान की रक्षा की है उसके बाद आप ये सब कर रहे हैं। अंजना जी मैं आपका बहुत शुक्रिया करूंगा, आपने इस बीमारी को उजागर किया है, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बीमारी है। मैं कह रहा हूं ये एपिडेमिक है, बीमारी नहीं है, एपिडेमिक है। हो सकता है दो चीजें तो हमारी नजर में आ गई हैं, हो सकता है हिंदुस्तान में 100 जगह पे ये हो रहा हो। और मैं अपने डॉक्टर भाइयों को भी कहूंगा, नर्सों को भी कहूंगा, अपना राइट लेके ऊपर उठें और इन क्रिमिनल्स को जेल के अंदर डालें, वो अपना राइट को वो करें। और अगर किसी को दिक्कत आती है तो मेरे से बात करें, हमारी एसोसिएशन में बात करें, हम फॉलो अप करेंगे एंड वी विल मेक इट श्योर टू ब्रिंग एवरीबॉडी बिहाइंड द बार्स। तो ये हमारा संदेश यही है, एक पोलाइट संदेश है, हाथ जोड़ के संदेश है कि हम आपके लिए 24x7 हम आपके लिए दिन रात खड़े हैं। ये जितने डॉक्टरों की आपने तस्वीर देखी है, ये 12-12, 16-16 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके परिवारों के साथ खड़े हैं। हाथ जोड़ के विनती है कि हमें सम्मान दीजिए और हमें इज्जत दीजिए ताकि हम और अच्छे से आपका सेवा करें। आने वाली नस्लों को डॉक्टर बनने दीजिए, जो डॉक्टर, जो बच्चे प्रोग्राम देख रहे हैं, डॉक्टर नहीं बनेंगे। हमारे देश में डॉक्टरों नर्सों की कमी है, इस तरह से खदेड़ेंगे, इस तरह से भगाएंगे, बच्चे नहीं बनेंगे डॉक्टर नर्सेज। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं आगे दौसीफ खान के पास जाऊं, एक बार फिर से अगर आप डॉक्टर रवि मलिक हमारे कैमरामैन को बोलें कि वो डॉक्टर्स की तरफ जरा दिखाएं जो प्लाकार्ड्स पकड़े हुए हैं, मैं एक एक प्लाकार्ड जरा पढ़कर दिखाना चाहती हूं। एक एक प्लाकार्ड के ऊपर फोकस, केयर फॉर अस एज वी केयर फॉर यू, हम आपकी देखरेख कर रहे हैं, आप भी हमारा ख्याल रखिए। देखिए ये तमाम डॉक्टर्स जो निकलते हैं घर पर अपने बच्चों को छोड़कर अपनी जिंदगी को दांव पर डालते हैं, स्टे होम सेफ, वी विल टेक केयर ऑफ यू, आप घर पर सुरक्षित रहिए, ये भी डॉक्टर्स की विनती लगातार रही है। और स्टॉप वल्गर बिहेवियर अगेंस्ट अस, चाहे वो दिल्ली हो, अलग अलग जगहों पर ऐसे आइसोलेशन वार्ड्स में महिला डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार, अपशब्द, बदसलूकी का आरोप लगा। वी आर योर हेल्थ वॉरियर्स, इस प्ले कार्ड में लिखा है, हम आपके कोरोना वॉरियर हैं, हम आपकी सेहत के लिए जंग लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। कौन होगा वो इंसान जिसकी इंसानियत जरा सा नहीं जाग रही है ये सब पढ़कर? इनके भी बाल बच्चे हैं जिनको ये घरों में छोड़कर अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं। वी आर योर सेवियर्स, हम आपकी जान बचाएंगे, प्लीज सेव अस फ्रॉम वायलेंस, समझिए इसका अर्थ, हमें हिंसा से बचाइए।
क्या अब ये डॉक्टर कोरोना की परवाह करने के साथ साथ अब ये भी सोचे कि न जाने किस गली में किस छत से हमारे ऊपर पत्थर फेंक दिया जाएगा? क्या ये डॉक्टर्स अब ये भी सोचे कि न जाने कौन सी गली में कौन सामने आकर अचानक मुझ पर थूक देगा? ये कैसा व्यवहार है? इंसानियत को ही हम शर्मसार करेंगे जब इंसानों की जान बचाने के लिए ये भी इंसान ही है जो डॉक्टर्स बनकर आज निकल रहे हैं अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर। मुझे लगता है इससे बड़ा संदेश कोई नहीं हो सकता। अगर ये तस्वीरें उन घरों उन मोहल्लों तक पहुंच रही हैं जहां पर लोग ये सोचते हैं कि वो डॉक्टर्स पर स्वास्थ्य कर्मियों पर पुलिस कर्मियों पर हमला कर सकते हैं, तो जरा सा ठहर कर सोचिए। ये भी मामूली इंसान है आपकी हमारी तरह, इनके घर में भी बच्चे हैं जो इनका इंतजार करते हैं। ये सिर्फ आपकी जिंदगी की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर डाल रहे हैं। आप इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। दिखाते रहिए उन डॉक्टर्स को वो तस्वीरें, जरा हम बार बार दिखाना चाहते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तौसीफ खान साहब उसको फुल फ्रेम जरा हम दिखाना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं बार बार दरख्वास्त कर रही हूँ। तौसीफ खान साहब देखिए, आप मीडिया और मीडिया पर जो लेक्चर है उसको थोड़ा सा दरकिनार कीजिए, एक संदेश दीजिए, प्रबल संदेश दीजिए हर किसी को, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, वो समझे कि फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करना है, उनकी उस भूमिका का को सलाम करना है जिसके साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। तौसीफ खान, हाँ अंजना जी, अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम को जनता को बताना चाहूँगा, देखिए जो मैसेज आपके चैनल के थ्रू पहुँच रहा है वो गली नुक्कड़ हर जगह पहुँच रहा है, सुनिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर्स के लिए एक प्रावधान है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, IPC में एक प्रावधान है 186.353, तो उसके तहत कार्रवाई हो सकती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उससे भी बढ़ के जो कार्रवाई होना कानून से भी वो तहत एक कानून वो करनी चाहिए, वो कड़ी कार्रवाई। मेरे घर में अंजना जी, मेरे घर में डॉक्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को, मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको, मैं हवा में बातें नहीं करूँगा, मेरे घर में खुद डॉक्टर्स हैं, वो अपने बच्चों को बेटियों को गेट से देख देख के जा रहे हैं, इतना डर। आप ये मतलब ये मजाक बना लिया है, ये कोरोना वायरस को मतलब वो मजाक के तौर पे वो मीडिया पोर्ट्रेट कर रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आज तक बस वो जो, लेकिन जो और चैनल्स हैं ना, मैं खुद मेरे घर में डॉक्टर, मैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई कोई भी नहीं, वो प्रॉपर रिपोर्ट तैयार करी जाए, हर किसी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, जो भी दे आर दी कोरोना वायरियर्स, वो डॉक्टर सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो आपको अभी फिलहाल के लिए बचा सकते हैं, दुनिया के कोई भी मीडिया अथॉरिटी कोई नहीं बचा सकती, फिलहाल के लिए सिर्फ ये डॉक्टर्स हैं जो आपको बचा सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को आवाम को ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ कोऑपरेट करें। और एक और चीज़ अभी सामने आई थी, एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि बसों का और वो आने जाने का अरेंजमेंट सरकार नहीं कर पा रही है, जी आप हमें अरेंजमेंट मत ना करिए, लेकिन इन डॉक्टर्स के ध्यान रखिए, हम रह लेंगे, हम सर्वाइव कर लेंगे, देश हमारा इतना मजबूत है, लेकिन इन डॉक्टर्स को प्लीज़, इन डॉक्टर्स को जितना आप दे सकें उतना प्रोवाइड सब चीज़ दीजिए, वो आने जाने के लिए ट्रैवल के लिए उनको बहुत परेशानी हो रही है। मिस्टर खान, ये जागरूकता क्यों नहीं, देख रहा हूं, एक सेकंड मिस्टर खान, एक सवाल है आपसे, ये जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही है? ये तस्वीरें भी दिखाइए, बीच बीच में वो मुरादाबाद की भी तस्वीरें दिखाइए, देखिए इंदौर की भी तस्वीर आई थी आपने दिखा दिया कई दिनों पहले, एक सेकंड, सवाल सुनिए। नहीं सर, हम तो लगातार शो कर रहे हैं, इंदौर में जब हुआ था उस दिन भी मैंने शो किया था, उस दिन भी बड़े ही प्रबल तरीके से समझाया था, मध्य प्रदेश में NSA तक लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, IPCG की दिन धाराओं की आप बात कर रहे हैं, वो त्रिची में तमाम जगहों पर लग रही है, फिर भी सुधरने को ये लोग तैयार नहीं है। इस मानसिकता का क्या इलाज है? जी हमारी देश की पुलिस इतनी नाकाम नहीं है, सुधार देगी जो ये कर रहे हैं ना, जो सुधरना ही पड़ेगा, मीडिया को भी करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, सुधरना ही पड़ेगा। डॉक्टर्स पर हमला नहीं कर सकते हैं, सबसे सख्त कानून लगाए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर अपने आप सुधार देगी जी, स्वास्थ्य मंत्री सभी ये निवेदन कर रहे हैं। डॉक्टर खान, बार बार आपका संपर्क कट रहा था, डॉक्टर खान बात पूरी कीजिए जी। डॉक्टर खान, चल रहा है क्या? डॉक्टर खान, तो कोई इंटरव्यू चल रहा है डॉक्टर पर मित्तल, मुझे लगता जी, डॉक्टर खान आवाज आ रही है, शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। एक बार फिर से मैं पर मित्तल साहब के पास चलना चाहती हूँ। डॉक्टर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं तमाम अलग अलग जगहों से जो हमले की खबरें आ रही हैं, हम ये भी दिखा रहे हैं कि डॉक्टर्स का एक संदेश पूरे देश में पहुंचना चाहिए, लेकिन बार बार
सख्त से सख्त धाराएं लगाने के बावजूद इंदौर, औरंगाबाद, मुरादाबाद ये घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसको बहुत करीब से देखा है, क्या समझ में आता है, क्या मानसिकता है इनकी जो लोग ऐसे हमले कर रहे हैं? डॉक्टर परमित्तल, आवाज आ रही है? डॉक्टर परमित्तल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर रवि मलिक के पास फिर से चलते हैं, एक बार डॉक्टर रवि मलिक के पास चलते हैं। डॉक्टर रवि मलिक, इस मानसिकता को संभालने के लिए इसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह से इसकी तो कोई दलील ही नहीं इसके पीछे हो सकती है। एक व्यक्ति था, दरअसल कई लोगों का टेस्ट हुआ था, यहां मुरादाबाद की घटना ही मैं आपको बताती हूं, कई लोगों का टेस्ट हुआ था जिसमें लगभग 17 लोग संक्रमित निकले कोरोना से। उसके बाद एक व्यक्ति की कुछ दिनों पहले मौत हो गई। अब वो वहीं पर रह रहा था, वहीं संपर्क में था, 2 दिन पहले इसकी मौत हुई थी। आसपास के लोगों का टेस्ट करना, उन संदिग्धों को पकड़ना, उनका टेस्ट करना बहुत जरूरी था। इसी वजह से ये पूरी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम गई थी, उन्हीं पर हमला कर दिया। इस मानसिकता को कोई कैसे एक्सप्लेन कर सकता है मिस्टर मलिक, डॉक्टर मलिक? देखिए 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 अंजना जी, आपने बड़ी अच्छी चीज बताई है। बहुत सारी चीजों में समझने की जरूरत नहीं है। ये क्रिमिनल्स हैं, इनके ऊपर पोडा आना चाहिए, प्रिवेंशन ऑफ डॉक्टर्स एक्ट आना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, और डॉक्टर्स के वॉयलेंस के खिलाफ जो हमारा कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है वो लगना चाहिए, 186 और जो धाराएं वो सब लगनी चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, तभी इनको समझ आएगा। ये तो पहली चीज हो गई। क्योंकि देखो, इसमें तो समझने वाली कोई चीज, देखिए डॉक्टर बेचारे, देखो किसी की डेथ हुई है, वो बेचारे वहां जा रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा एक डॉक्टर बेचारा अपनी जान को लेके कितना हथेली पे लेके जा रहा है, जहां कोरोना का एटमॉस्फेयर है वहां डेथ हुई है, वो बाकी सब लोगों को ले रहा है, जिनमें से कि कई कोरोना के पॉजिटिव केसेस भी होंगे, क्योंकि वो मृत्यु वाले के साथ रहे होंगे, वो बेचारा रिस्क लेके जा रहा है। दूसरी चीज अंजना जी, ये बता दूं, मैं भी स्पेशलिस्ट हूं, हम लोगों का दिमाग का काम है, मैं हिस्ट्री लेता हूं, एग्जामिनेशन करता हूं, इन्वेस्टिगेशन एनालाइज करके ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट करता हूं। अगर मेरे दिमाग में ही डर रहेगा, अगर मुझे यही रहेगा कि सामने वाला मुझ पर थूक देगा, थप्पड़ मार देगा या पत्थर मार देगा, तो मेरा दिमाग क्या चलेगा? इसके लिए मरीजों का भी नुकसान है। मैं तो कहूंगा ये असामाजिक तत्व है, ये समाज के खिलाफ है, ये एंटी सोशल्स हैं, और मैं तो इनको टेररिस्ट भी कहूंगा। वो इसलिए कहूंगा क्योंकि इन्होंने पूरे देश के, इस वक्त देश के ऊपर जो डॉक्टरों को अपना अध्ययन करके और उनका इलाज करना चाहिए, डॉक्टरों का जो दिमाग वहां लगना चाहिए, ये उन्हीं के दिमाग को परेशान कर रहे हैं, ये हमारे देश के देशवासियों को मुश्किल में डाल रहे हैं, उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। दूसरी चीज जो बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है, जो हमारी बहनों डॉक्टरों के ऊपर और नर्सों के साथ में अगर कोई अश्लील हरकत करता है, उसके साथ भी सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। वो बेचारी नर्सें अपने बच्चों को घर पे छोड़ के, परिवार को घर पे छोड़ के, जान हथेली पे लेके कोरोना पेशेंट्स के पास आ रही हैं, इसलिए नहीं आ रही कि वहां पे अश्लील हरकत हो उनके साथ में। ऊपर से हमारे प्रधानमंत्री इतना कुछ बोल रहे हैं, जब तक डॉक्टर्स के माइंड को हम बिल्कुल फियरलेस करके, उन्हें सिक्योर करके, उनको सम्मान देके नहीं रखेंगे, उनकी क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी, उनकी जो एक आस्था है वो ही बाहर नहीं आ पाएगी, वो डायग्नोसिस गलत बनाएंगे, इलाज गलत करेंगे, डर के छुट्टियां लेना शुरू कर देंगे। और अगर इन्होंने स्ट्राइक कर दी इस टाइम पे, जो कि कभी नहीं करेंगे, तो आपको ये सोचना चाहिए इन बेचारों को मारना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरा सब देशवासियों को यही रिक्वेस्ट है कि हम लोग फिर भी आपकी सेवा करते रहेंगे, आपका बिहेवियर कुछ भी हो, अब आपको खुद को अपने बिहेवियर को जो है वो एनालाइज करना पड़ेगा, एक डॉक्टर की लाइफ को एनालाइज करना पड़ेगा। बेचारा रात में दिन में रिस्क लेके करता है, उसको वो मारने का पीटने का आपका हकदार नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर परमित्तल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं ये पूछ रही थी, आपने बताया कि महिला डॉक्टर्स के साथ भी वो बदसलूकी कर रहे थे, अपशब्द कर रहे थे, तो वहां पर जो मेल डॉक्टर्स थे उन्होंने विरोध किया। क्योंकि बहुत करीब से आपने पूरे केस को फॉलो किया है, आप ही ने चिट्ठी भी आगे लिखी है, शिकायत की है, क्या है मतलब किस तरह की मानसिकता, इसको किस तरह से डील किया जाए? क्या ये, क्योंकि एक दो व्यक्ति नहीं, आप बता रहे हैं जो अन्य मरीज थे वो भी उनके साथ शामिल हो गए और सभी ने एक साथ फिर दरवाजा तोड़ने लगे, हमला करने लगे, आपस में क्या कह रहे थे, क्या है इनकी सोच?
देखिए इन लोगों की ये जो मानसिकता है कि डॉक्टर को डॉक्टर पे हमला करना, ऑन ड्यूटी डॉक्टर पे हमला करना, इस टाइम पे जब कोरोना वायरस का आपदा चल रही है, जब पैंडेमिक चल रहा है, लोग अपने घर बार को छोड़ के, अपनी फैमिलीज को छोड़ के, अपनी हेल्थ को रिस्क पे डाल के जो लोग आपकी मदद करने आ रहे हैं, जो माँ बहनों की तरह जो नर्सेज हैं, जो फीमेल डॉक्टर्स हैं, वो आपके लिए केयर कर रही हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे छोड़ के आ रही हैं, अगर आप उन पे भी अभद्रता से बात कर रहे हैं, अगर अश्लीलता से बात कर रहे हैं, तो इसका समाधान मेरे हिसाब से सिर्फ यही है कि दिस शुड बी अ रिपोर्टेबल एक्टिविटी और इस पर नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए. दिस शुड बी अ नॉन बेलेबल ऑफेंस और इस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होना चाहिए. हम लोग फोड़ा के लेवल से फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, हमारी पैन इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन है, हम उसके माध्यम से पीएम सर को और चीफ मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर सर को रेगुलरली लिखते रहे हैं कि डॉक्टर्स के लिए एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए. वो बिल पार्लियामेंट में अबकी बार पेश होने वाला था, बट सम ड्यू टू सम रीजंस वो पेश नहीं हुआ था. आई वॉन्ट टू इम्प्रेस कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे अगर डॉक्टर्स का मनोबल आपने गिरा दिया तो फिर आगे सोसाइटी जो है वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है एंड दिस इज गोइंग टू लास्ट, ये लंबे समय तक रहने वाला है और हमें अपनी डॉक्टर्स की टीम का मनोबल बढ़ा के ही नहीं उसको ऊंचा रखना है. कोई पत्थर से न मारे देश के डॉक्टर्स को, हल्ला बोल का ये विशेष एपिसोड इसीलिए क्योंकि इंदौर, मुरादाबाद या फिर औरंगाबाद की घटनाएं रुकनी चाहिए, जहां डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना के जांच के लिए जब वो पहुंच रहे हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं. इस बात की इजाजत की मुल्क नहीं दे सकता कि जो हमारे फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हीं पर कोई हमला करे.